दोस्तों नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो SBI ऐप से मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको सारा डिटेल देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका अदर बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर SBI to SBI भेजना चाहते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मनी ट्रांसफ़र करने के लिए योनो एप्लीकेशन के माध्यम से तो योनो SBI आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जो है आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आप अपना यहाँ पर MPIN इंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर MPIN इंटर कर देते हैं। MPIN इंटर करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको योनो पे पे क्लिक करना है। करने के बाद क्विक ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना है और क्विक ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद अगर आपको जिस भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका SBI का अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम इंटर करेंगे, उसके बाद उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से दोबारा उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ भी उसको मैसेज टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि उनके खाते में पैसा गया या नहीं गया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ₹1 देखिए इंटर हो जाएगा। अगर आप टेस्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि उसके अकाउंट नंबर सही है, नाम सही है, और आप डायरेक्ट यहाँ पर इसकी बॉक्स को ऑफ कर देंगे और डायरेक्ट आप यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पर भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। एक बार में आप जो है 25,000 से ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको 25,000 से ज़्यादा भेजना है तो इस पर एक मैं आपको वीडियो आपको देने वाला हूँ, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ भी मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर देंगे रिमार्क में और नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये आपको रिव्यू डिटेल्स आएंगे, क्या आपने जो डिटेल डाला है सही सही है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर सही है तो नेक्स्ट बटन करके इस पेज को आगे बढ़ाएंगे। आपके मोबाइल में OTP नहीं आता है तो रिसेंट OTP पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर OTP ले लिया जाएगा। अगर आपको मैनुअली करना है यहाँ पे मैनुअली पे क्लिक करना है। मैनुअली का ये मतलब है OTP आपके मैसेज बॉक्स में आएगा, उसके बाद वहाँ से देख के आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। ये मैं आपको बताया जिस भी व्यक्ति को आप भेज रहे पैसा अगर उनका SBI का तो इस मेथड से आप उनको पैसा भेज सकते हैं। अगर जिनका SBI नहीं है तो वो क्या करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर अदर बैंक है SBI के छोड़ा के अगर अदर बैंक है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अदर बैंक में। अदर बैंक में सब आ जाते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो SBI को छोड़ के आप यहाँ पे अदर बैंक पे क्लिक करेंगे तो आप पैसा भेज पाएंगे। कारण यह है कि अगर आपका जिस भी कस्टमर को आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अगर उनका SBI का है तो SBI पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको IFSC कोड नहीं लगेगा, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर अदर बैंक है तो अदर बैंक में IFSC कोड लगता है। तो यहाँ पे अदर बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनका नाम इंटर करेंगे और अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद फिर से कंफर्मेशन के लिए अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद उनका IFSC कोड यहाँ पे इंटर करेंगे या नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर अमाउंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद यहाँ पे रिव्यू डिटेल्स आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट बटन है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है आपका OTP ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो है अदर बैंक में भी योनो SBI के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस तरह से आपको पैसा ट्रांसफ़र करके दिखाया और यहाँ पे गो टू यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप स्टेटमेंट में आ जाएंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको हम स्टेटमेंट भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए जो SBI का कस्टमर था उसमें हम ₹10 ट्रांसफ़र किए थे, जो अदर कस्टमर था वो यहाँ पर हम आपको ₹500 करके दिखाए ट्रांसफ़र। तो इस तरह से आप जो है योनो SBI के माध्यम से आप जो है किसी भी बैंक में, चाहे SBI बैंक में आपको ट्रांसफ़र करना हो, चाहे अदर बैंक में ट्रांसफ़र करना है, किसी भी बैंक में आप इजी तरीके से क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल एक क्लिक में उनके खाते में पैसा चले जाएगा।
तो यहाँ पे एक बार में आप 25,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। अगर आप 25,000 से ज़्यादा भेजना चाहते हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम आपको इसी चैनल पे अपडेट दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।